इतना महंगा पेट्रोल जो है समझ से सोच से बाहर है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है जो इन्होंने किया है। 2000 का डलवाना भी 2500 का डलवाना पड़ेगा। ये 2 रुपये कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ा देते हैं। 5 रुपये कम होते तो 10 रुपये बढ़ जाते हैं। मैं उधार ले रहा कि किन मन, बाकी कोई लोग कर्जा भी नहीं दे रहे। 10 रुपये हो ना, कल फिर 10 रुपये हो जाएगा, परसों फिर 20 रुपये हो जाएगा। ना किसी ने सुननी है, ना किसी ने निकलना। इस आवाम ने बाहर नहीं निकलना, आवाम बाहर निकले तो कुछ बात बनेगी। हुकूमत का महंगाई की चक्की में फंसे आवाम को एक और झटका। पेट्रोल 9.99 रुपये फी लीटर महंगा, नई कीमत 275.60 रुपये मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6.18 रुपये का इजाफा। 1 लीटर डीजल 283.63 रुपये का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 1.85 रुपये इजाफा, नई कीमत 183.71 रुपये फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत 2 रुपये सस्ता करके 10 रुपये महंगा कर देती है। हुक्मरानों को नहीं पता कि गरीब का क्या हाल है। पेट्रोल के साथ दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। शोहदाए करबला की याद में आज नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। लाहौर में शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद। अजादारों की बड़ी तादाद शरीक, जगह जगह पानी की सबीलें, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। जुलूस के रूट के इतराफ, मोबाइल फोन सर्विस मअतल। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ रात 10 बजे वापस अजाखाना पांडू स्ट्रीट में खत्म होगा। कराची में मरकजी जुलूस 1:30 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस मुकर्रा रूट से होता हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की पाबंदी आयद। एम जिना रोड, सदर एम्प्रेस मार्केट, रीगल लाइट हाउस की मार्केटें और दुकानें सील। ऑरेंज और ग्रीन लाइन सर्विस आज और कल बंद रहेगी। पेशावर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद। BRT सर्विस आज और कल बंद रहेगी। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह G62 से बरामद होगा। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस के तकर्री का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम भी तजवीज़। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम पर भी गौर किया जाएगा। अमरीका का PTI पर पाबंदी के फैसले पर इजहार तशवीश। तर्जमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कानून की हुक्मरानी को सपोर्ट करते हैं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने फैसला गैर आइनी करार दे दिया, फौरी वापस लेने का मुतालबा। जमहूरी हुकूमत इस तरह के इकदाम के मुतहम्मल नहीं हो सकती। ऐसे इकदाम से पोलराइजेशन और तशद्दुद के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये अदलिया पे वार किया गया है और ये अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके वोटर सपोर्टर सारे इंशाल्लाह अदलिया के साथ खड़े होंगे। डॉन लीक्स वाले ये हैं, पानामा वाला ये है, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने वाले ये हैं। बैन लगना है तो इन पे लग जाए। आज भी नवाज शरीफ इक्विटेड नहीं है, उनकी अपीलें विड्रॉ हो गई थी, तो इन पे बैन लगने चाहिए। पाबंदी के फैसले पर PTI बरहम, हुकूमती ऐलान को तौहीन अदालत करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पाबंदी तो नून लीग पर लगनी चाहिए, ये लोग डॉन लीक्स, पैनामा और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले हैं। आर्टिकल 6 की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने नून लीग को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। बोले, हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। शिबली फराज ने कहा, PTI पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं है, हुकूमती इकदाम से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। PTI पर पाबंदी के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठा दिया। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी कहती हैं, हुकूमती फैसले के हवाले से अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो इसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा।
रजा रबानी कहते हैं सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी, मईशत तबाह हो जाएगी। फरहतुल्ला बाबर ने कहा सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है जो कुछ हुआ पीटीआई क्यादत के रवैये की वजह से हुआ, इस सूरतहाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई खुद हैं। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, ऐसे फैसलों से सियासी इंतशार बढ़ेगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं सारे मसाइल का हल नए और शफाफ इंतखाबात में है। एएनपी ने फैसले को बचकाना करार दे दिया। तर्जुमान एएनपी ने कहा है कि सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों और रुकावटों से रोका नहीं जा सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फिस्तागत की मिसाल है, जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी की जाए, नू लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का मुख्तसर हुक्मनामा कलदम करार देने की इस्तदा, फैसले पर हुक्म इम्तना देने की भी दरख्वास्त। मौकिफ अपनाया, पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने बगैर इन्हें नशस्तें कैसे दी जा सकती हैं। आर्टिकल 51 के तहत सियासी जमात में शमूलियत का वक्त 3 दिन है, सियासी जमात में शमूलियत के लिए 15 दिन का वक्त देना खिलाफ आइन है। तफसीली फैसला आने के बाद इजाफी ग्राउंड के लिए लेने के लिए हक बजानिब हैं। नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक, नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की 3 रोज में 2 मुलाकातें, सियासी सूरतहाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक हुई। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला नून लीग के अंदरूनी खलफशार का नतीजा है। मशीर इतलात के एपी बैरिस्टर सैफ ने कहा नवाज शरीफ और मरियम कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं, नून लीग के अंदर इख्तदार की लड़ाई अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। आर्टिकल 6 के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक शरीफ खानदान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। मखसूस नशस्तों की तरह पाबंदी और गद्दारी के मामले पर भी मुँह की खाना पड़ेगी। नए दोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 3रा रोज़, नैब टीम आज फिर अडियाला जेल पहुंच गई। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून टीम की सरबराही कर रहे हैं। नैब टीम ने गुज़श्ता रोज़ भी 3 घंटे तफ्तीश की। उधर बानी पीटीआई का 9 मई के 12 केसेस में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। पीटीआई के 41 में से 38 अरकान ने पार्टी को बयान हल्फी जमा करा दिए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के बाकी 3 अरकान ने बजरिया व्हाट्सएप बयान हल्फी भेजे, 3ों अरकान पाकिस्तान में मौजूद नहीं। पीटीआई अरकान के बयान हल्फी जुमेरात को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। उधर खवातीन और अकलियतों की नशस्तों के लिए नई फहरिस्त भी तैयार, बारी पीटीआई की मंजूरी के बाद फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से रुकने सूबाई असम्बली सैयद अकबर नवानी की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के हल की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने कहा फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं, 500 मजीद फील्ड अस्पताल बनाएंगे, हेल्थ रिफॉर्म्स और टीबी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का काम शर्मिंदा एताबीर हो रहा है। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे सर्विसज मुहैया होंगी। रवां हफ्ते के दौरान मानसून के नए स्पेल की पेशगोई, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद में बारिशें मुतवक्के, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में कल से 19 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई, सूबे के 17 अजला में बारिशें मुतवक्के, नदी नालों में तुगयानी का खतरा, कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं आज भी बंद, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रहने की तवक्को।
डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के बाजाबता सदारती उम्मीदवार नामजद। पार्टी कन्वेंशन में अरकीन की भारी अक्सरियत ने ट्रंप के हक में वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेटर जेडी वेंस को नायब सदर का उम्मीदवार मुकर्रर कर दिया। 39 साल जेडी वेंस पहली मरतबा ओहायो से सेनेटर बने। वेंस साबिक फौजी और मुसन्निफ हैं। अमरीका में सदारती इलेक्शन 5 नवम्बर को हो रहे हैं। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत की मस्जिद के करीब फायरिंग, 4 अफराद जहां बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया मस्जिद इमाम अली में पेश आया। फायरिंग के वक्त मस्जिद में तकरीबन 700 अफराद मौजूद थे। मस्जिद में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद थी। तहकीकात जारी। फलस्तीनियों के खून से इसराइल की प्यास न बुझी। सेहूनी फौज ने 283 रोज में गजा को मलबे का ढेर बना दिया। ताज़ा हमलों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। नौसिरात कैब में घर पर बमबारी, 5 बच्चों समेत 11 शहीद। इसराइल का जनूबी लबनान में भी हमला, 3 शहरी शहीद, 3 जख्मी। अकवामे मुत्तहिदा का कहना है गजा पट्टी में 40 मिलियन टन से ज़्यादा मलबा पड़ा है, साफ करने में 15 साल लगेंगे। वुमेन्स T20 एशिया कप कमीशन कौमी टीम कुछ देर में कराची से श्रीलंका रवाना होगी। निदा डार की क्यादत में 15 रुकनी टीम भरास्ता दुबई कोलंबो पहुंचेगी। इवेंट 19 से 28 जुलाई तक दम्बोला में खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 19 जुलाई को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप से बाहर। सेकेंड सीड दिफाई चैंपियन हमजा खान को क्वार्टर फाइनल में कोरिया के जुएंग ना के हाथों शिकस्त। 67 मिनट जारी रहने वाले मुकाबले में कोरियन खिलाड़ी ने 3-2 से फतह समेटी। अब्दुल्ला नवाज को टॉप सीड मिस्र के मोहम्मद जिक्रिया ने 3-0 से हराया। सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के मुकाबले, 60 ममालिक के 1500 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। पाकिस्तानी ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी जीत के लिए पुराज़म।